गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 247। आपका स्वागत है, मैं सुरेंद्र सोलंकी। आपकी बैंकिंग का जो एग्ज़ाम होता है उसके अंदर आपके जो कंप्यूटर सेक्शन आता है उसके रिगार्डिंग हम आज बात करने वाले हैं आपके साथ। तो भाई, जैसे आपको मैंने लास्ट एक वीडियो आपका अपलोड किया था और उसमें मैंने बताया था कि हम कंप्यूटर को आखिर बैंकिंग एग्ज़ाम में क्यों पढ़ना चाहिए और क्यों नहीं पढ़ना चाहिए, कहाँ उसकी इंपॉर्टेंस है और कहाँ पर नहीं है, राइट। तो उस पर बाद में जो आज मैं अपना जो सेकंड वीडियो लॉन्च कर रहा हूँ और इसमें आप लोगों के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके बैंकिंग एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, उन क्वेश्चंस पर हम बात करेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम आते हैं सीधे अपने क्वेश्चंस पर, यानी कुछ मैं आप लोगों के लिए बताया था मैंने आपको कि हम लोग कुछ ऐसे प्रैक्टिस क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। आपका आरआरबी का पेपर हो, एसबीआई का हो, आईपीएस हो, कोई पेपर हो, बैंकिंग का हो, इंश्योरेंस का हो या किसी अदर एग्ज़ाम का हो, उन सारे सेक्शन को या उन सारे एग्ज़ाम के लिए ये जो क्वेश्चन आपको मैं कराने वाला हूँ ये सारे के सारे आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, ठीक है भाई। तो आते हैं सीधे हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पर। दिखाएगा जरा स्लाइड पर मुझे पहला, मेरा पहला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए सर, यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लॉजिकल यूनिट इन सीपीयू ऑफ अ कंप्यूटर, राइट। यानी कि अगर देखा जाए तो आपका क्वेश्चन ये पूछा गया सिंपल सा कि भाई आपका जो सीपीयू होता है, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है ना। सीपीयू हमारा क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का काम ये होता है कि सर इसके अंदर आपके तीन पार्ट होते हैं, है ना, हम ये सब जानते हैं। जो लोगों को ये नहीं पता है उन लोग इसको दोबारा देख सकते हैं। एक हमारा ALU पार्ट होता है, एक CU पार्ट होता है और एक MU पार्ट होता है, राइट। अब इसमें सबका अपना अपना रोल होता है अलग अलग। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि व्हाट इज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लॉजिकल यूनिट, यानी कि जो ALU है हमारा, लॉजिकल यूनिट है, इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है आपके CPU के अंदर। तो प्रोड्यूसिंग रिजल्ट, रिजल्ट प्रोड्यूस करता है, या फिर कंपेयरिंग नंबर्स, या फिर कंट्रोलिंग फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, या फिर परफॉर्मिंग मैथमेटिकल ऑपरेशन, या फिर कंट्रोलिंग फ्लो ऑफ डेटा, ठीक है। तो सर लॉजिकल यूनिट आपको कंपेयर करना, बताना है आपको क्या आंसर आएगा इसका, आप बता सकते हैं यहाँ पर, बताइए, कोशिश करिए कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो सकता है। ए हो सकता है, या कंपेयरिंग नंबर्स हो सकता है, या परफॉर्मिंग मैथमेटिकल ऑपरेशन, ठीक है, या फिर आपका कंट्रोलिंग फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो सर यहाँ देखा जाए अगर, तो ALU का सर काम जो होता है जितने भी आपके अर्थमेटिकल, ठीक है, आपके अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन को क्या करता है, ये हैंडल करता है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। यानी कि आपको प्लस करना है, माइनस करना है, डिवाइड करना है, इनटू करना है, परसेंटेज निकालनी है, या कोई लॉजिकल ऑपरेशन है आपका उसको परफॉर्म करना है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, राइट। तो इसका राइट आंसर लगा लीजिएगा फटाफट से, ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी, परफॉर्मिंग मैथमेटिकल ऑपरेशन, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है सर आपका, अबाकस वाज द फर्स्ट, अबाकस सर आपका पूछा गया है क्या था। अगर अबाकस की हम जब भी बात करते हैं तो भी अबाकस जो है आपका एक ऐसा कंप्यूटर है जो सबसे पहला मैथमेटिकल, एक कह सकते हैं कैलकुलेशन डिवाइस को नाम दिया गया इसको, और चाइना ने इसको इंट्रोड्यूस किया था सबसे पहले आज से अराउंड 5000 साल पहले, राइट। तो अबाकस वाज द अर्लीस्ट कंप्यूटेशन डिवाइस, हम कह सकते हैं कि अबाकस जो है आपका अर्लीस्ट कंप्यूटेशन डिवाइस है। लेकिन अब उस अर्लीस्ट डिवाइस के अंदर वो है क्या, था क्या, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, या फिर मैकेनिकल कंप्यूटर था, या फिर इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर था, या फिर मैकेनिकल कैलकुलेटर था, या फिर इलेक्ट्रॉनिक चिप थी। ये क्वेश्चन आप देखो नया बन गया आपके लिए, यानी कि अब आप सब बच्चों को पता है कि भाई अबाकस इस बार था फर्स्ट अर्लीस्ट कंप्यूटेशन डिवाइस था, सब जानते हैं, लेकिन वो ये नहीं पता बच्चे को कि भाई कि वो कैलकुलेटर के नाम से जाना गया, या फिर उसको कंप्यूटर नाम दिया गया, या फिर उसको हम लोगों ने एग्जैक्टली उसका नाम क्या था। तो सर यहाँ पर अगर देखें हम लोग तो दैट द आंसर शुड बी डी, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि मैकेनिकल कैलकुलेटर आपको उसको एग्जैक्टली नाम था, ठीक है, क्या नाम था, मैकेनिकल कैलकुलेटर। तो ऑप्शन डी लगाइएगा आंसर क्वेश्चन नंबर टू का। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। क्वेश्चन थर्ड कहता है सर आपका, इफ इन अ कंप्यूटर, अगर कंप्यूटर के अंदर 16 बिट आर यूज टू स्पेसिफाइड एड्रेस इन रैम, तो द नंबर ऑफ एड्रेस विल बी। तो भाई यहां पर अगर देखा जाए तो पॉइंट ये आता है हमारा
निकल कर गए कि एफ एन नंबर ऑफ कंप्यूटर यानी कि 16 बिट आर यूज हो रही है स्पेसिफाई एड्रेस के अंदर, किसमें रैम के अंदर, तो हमारा इसमें कितने नंबर ऑफ आप उसके अंदर एड्रेस बन जाएंगे। तो भाई यहाँ पर आप देखा जाए तो ऑप्शन ए है 216, ऑप्शन बी है 65536, ऑप्शन सी है आपका 64 KB, या ऑप्शन डी या ऑप्शन ई। तो भाई यहाँ पर रैम है, रैम से रिगार्डिंग थोड़ा सा इसका एड्रेस पूछा गया है, थोड़ा सा ये आपको डीपली लेके गया है क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा, 16 बिट का एड्रेस होता तो उसका आप स्क्वायर कर दीजिए, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर बन जाएगा बी, यानी कि 65536 इज़ द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है सर आपका, इंस्ट्रक्शन एंड मेमोरी एड्रेस आर प्रेजेंटेड बाई, यानी कि जो आपके कंप्यूटर के अंदर आप इंस्ट्रक्शन लिख रहे हैं या फिर आप मेमोरी की बात करें, ठीक है। तो भैया इन जो आपके इंस्ट्रक्शंस हैं या जो मेमोरी है, ये आपकी जो फॉलो की जाती है वो किससे की जाती है भाई, बाइनरी। पहला ऑप्शन है इसमें बाइनरी कोड है, बाइनरी वर्ड है, पैरिटी बिट है और कैरेक्टर कोड है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा, बाइनरी कोड, यानी कि 10101 के फॉर्म में क्या किया जाता है उसको सर, रिप्रेजेंट किया जाता है। कोई भी इंस्ट्रक्शन, कोई भी करेक्टर, कोई भी डिजिट आप लिखते हैं कंप्यूटर के अंदर, तो सर उसको क्या किया जाता है आपका, बाइनरी फॉर्म में कंप्यूटर समझता है। पहले भी कंप्यूटर बाइनरी फॉर्म में समझता था और आज भी कंप्यूटर हमारा क्या करता है, बाइनरी फॉर्म में ही समझता है। यानी कि वो उसको नहीं पता कि भाई आप ए लिख रहे हो, बी लिख रहे हो या सी लिख रहे हो, कीबोर्ड से आप कमांड दे रहे हो डजंट मैटर, कैसी कमांड देनी है डजंट मैटर, बट आपका कंप्यूटर जो है वो क्या कर रहा है, आपके द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन को, आपके द्वारा स्टोर की गई मेमोरी को वो क्या कर रहा है, बाइनरी कोड में कन्वर्ट करता है, यानी 10101 के फॉर्म में उसे कन्वर्ट करता है। क्लियर पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन कहिएगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो गया, बाइनरी कोड, ठीक है। क्वेश्चन 5th कहता है सर आपका यहाँ पर, द टर्मिनल डिवाइस दैट फंक्शन एज अ कैश रजिस्टर कंप्यूटर टर्मिनल एंड OCR रीडर इज। तो भाई टर्मिनल डिवाइस दैट फंक्शन एज अ कैश रजिस्टर, राइट, कंप्यूटर टर्मिनल OCR रीडर इज। आप अपन देखा होगा, सिंपल सा, शॉपिंग मॉल में जाते हैं आप, ठीक है, वहाँ आप शॉपिंग करते हो, जितना पैसा आपके अकाउंट में है आप शॉपिंग करते हो, नहीं है तो आजकल सर बड़ा अच्छा जो है क्रेडिट कार्ड लोगों को दे दिए गए हैं, ठीक है, पोस्ट पेड पेटीएम दे दिया गया है, जिसकी वजह से इस पर बच्चे या हम लोग क्या करते हैं, पैसा नहीं भी है तो भी करो आप, जब बिल आएगा तब देखा जाएगा। तो भैया आपने शॉपिंग की, वहाँ पर जब आपने बिल पे करवाया तो आपने देखा होगा कि उसके हाथ में एक OCR एक स्कैनर होता है, राइट। OCR स्कैनर क्या करता है, आपका ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर है, BCR वहाँ पर बार कोड को रीड करता है, राइट, और जिस कंप्यूटर पे आप लोग उसको, जिसे टर्मिनल कंप्यूटर नहीं बोलेंगे यहाँ पे, उस टर्मिनल को क्या नाम दिया गया, टर्मिनल। मान लो मैं यहाँ पर इस सिस्टम पे बैठा है, एक एजेंट आपका जो बिलिंग कर रहा है आपकी, उसने आपके उस प्रोडक्ट को बार कोड से रीड किया और आपकी उसकी इन्फॉर्मेशन आपकी यहाँ पर क्या होती है, डिस्प्ले हो जाती है, राइट। तो ये जो है आपका इंटरफेस क्या कहलाएगा, टर्मिनल, इसे हम क्या बोलेंगे, टर्मिनल। अब ये जो टर्मिनल है इसको एग्जैक्टली कैश काउंटर के नाम से, यहाँ पे कैश रजिस्टर के नाम पे इस पर बोला जा रहा है, तो ये कैश को मेंटेन कर रहा है, कैश की एंट्री रख रहा है, आपका बिल जो पैसा आ रहा है उसको आपका उसकी एंट्री कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ सेल। ये कैसा पॉइंट है, सेल करने का, तो पॉइंट ऑफ सेल। तो राइट हमारा क्या बन जाएगा, हमारा डी, पॉइंट ऑफ सेल, POS टर्मिनल इज़ द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5। मैं समझता हूँ यहाँ तक पॉइंट ये वाला क्लियर होगा। तो BCR बार कोड को रीड करता है और उसके बाद में जिस प्रोडक्ट को आप लोग रीड कर रहे हैं उसमें बार कोड होता है, आपने देखा होगा बार कोड आपका कुछ इस तरीके से होता है ना, 89023, इस तरीके से बार कोड चलता है आपका, ठीक है, उसको रीड किया जाता है। तो ये इसका आंसर हमारा क्या आ गया, डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। अ सेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप इंटीग्रेटेड टुगेदर इज कॉल्ड। तो भाई इसका आंसर क्या होगा, जरा आंसर देने की कोशिश करिएगा, राइट आंसर क्या होगा,
तो ऑप्शन ए होगा या बी होगा या सी होगा। तो देखो जब भी बताती है फ्लिप फ्लॉप की, तो सर वो सीधा सा नाम आता है हमारा रजिस्टर का, क्योंकि तो कैस्केड मेमोरी जो होती है हमारी, ठीक है, वहाँ पे आपका जो है नाम देते हैं, लेकिन रजिस्टर मेमोरी में इसका नाम सबसे पहले आता है। तो फ्लिप फ्लॉप की बताइए तो मतलब सीधा का नाम हमारा क्या जाएगा, रजिस्टर। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, रजिस्टर लगाइएगा इस क्वेश्चन का आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है पीपल ऑफन कॉल्ड स्पेस एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो सर कंप्यूटर ब्रेन, कंप्यूटर किसे कहते हैं लोग? तो भाई कंट्रोल यूनिट को कहते हैं, या फिर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को कहते हैं, या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कहते हैं, या फिर स्टोरेज यूनिट को कहते हैं? तो सर ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड CPU, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ध्यान रखना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या कहलाएगा हमारा, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कौन कहलाया है आपका, CPU। ऐसे ही हार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड SMPS। स्विच मोड पावर सप्लाई, ठीक है सर, स्विच मोड पावर सप्लाई इज द राइट, इसमें हमारा हो जाता है SMPS। जैसे हम लोग क्या कहते हैं, हार्ट कहते हैं कंप्यूटर का। तो ब्रेन है आपका CPU और हार्ट है आपका SMPS। आगे तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा राइट आंसर क्या हो गया, सी। 7 का सी आंसर लगाइएगा, सीधा सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 पर। क्वेश्चन 8 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग चिप। तो सर इनमें से कौन सी चिप मैन्युफैक्चरिंग यूज होती है, बस है, कंट्रोल यूनिट है, सेमी कंडक्टर है, या फिर ए एंड बी ओनली है, या फिर आपका ई, नन ऑफ द एबव है। तो भाई राइट आंसर क्या होगा हमारा यहाँ पर, ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा या ई होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो यहाँ पे से देखें सर हमारा आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, सी, सेमी कंडक्टर्स इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। द वैल्यू ऑफ ईच बीट इन हेवन इज 1, 3, 5, 7 या 8। तो भाई कितनी वैल्यू होगी इसमें, तो यहाँ पे आंसर आएगा हमारा सी, 5। क्वेश्चन नंबर लगाइए 10। द फर्स्ट कंप्यूटर इंट्रोड्यूस नेपाल, जो नेपाल के द्वारा कंप्यूटर पहला यूज़ किया गया वो कौन सा था? तो सर IBM 1401 या IBM 1400 या IBM 1402 या IBM 1406 या 1005। तो बताइए भाई, ए ऑप्शन होगा, बी होगा या सी होगा? क्वेश्चन नंबर आपका 10 है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पीछे क्वेश्चन बैक करिएगा, बी, IBM 1401 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 पर, 11 पर। ब्लूटूथ इज अ टाइप ऑफ रेडियो वेव इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन सिस्टम दैट इज गुड फॉर अबाउट। यानी जो ब्लूटूथ है आपका इज अ टाइप ऑफ रेडियो वेव, ठीक है, इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिशन सिस्टम दैट इज़ गुड फॉर अबाउट 30 फीट होता है, या फिर 30 यार्ड होगा, या 30 माइल्स होगा, 300 माइल्स। तो सर यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, ब्लूटूथ है सर हमारा, हम यूज़ करते हैं मोबाइल से, मोबाइल कनेक्ट करते हैं, या मोबाइल से आप कोई भी होम थिएटर वगैरह है उसको कनेक्ट करते हो, अपना कार में अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आपका FM जैसे आप रेडियो जो होता है उसको कनेक्ट करते हैं आप, तो वहाँ पर उसका जो आपका एक तरह से डिस्टेंस अगर देखा जाए तो ट्रांसमिशन के लिए गुड क्या रहेगा, तो 30 फीट इज़ द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 11। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पर। क्वेश्चन कहता है द टेलीफोन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, तो एनालॉग सिग्नल का है या डिजिटल सिग्नल का होता है, या मॉड्यूलेटर या डीमोड्यूलेटर या कंपाइलर। तो भाई टेलीफोन हम देखते हैं तो उसके अंदर आपके एनालॉग सिग्नल्स क्या होते हैं सर, ट्रांसफ़र होते हैं, तो हम लोग वहाँ पर मॉड्यूलेटर और डीमोड्यूलेटर करने के लिए मॉडेम यूज़ करते हैं, जो एनालॉग सिग्नल को क्या करता है,
कन्वर्ट करता है डिजिटल सिग्नल में, और डिजिटल सिग्नल जो होते हैं उन्हें कन्वर्ट करता है एनालॉग में। ठीक है भाई, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आपका ए, एनालॉग सिग्नल। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। अ क्रेडिट कार्ड साइज एक्सपेंशन बोर्ड दैट इंसर्टेड इन टू पोर्टेबल कंप्यूटर दैट कनेक्टेड द मॉडेम टू द टेलीफोन वॉल जैक इज, तो क्या कहेंगे सर उसे हम लोग, इंटरनल मॉडेम कहेंगे, एक्सटर्नल मॉडेम कहेंगे, पीसी कार्ड मॉडेम कहेंगे, या फिर वायरलेस मॉडेम कहेंगे, या वायर्ड मॉडेम कहेंगे। तो भाई सीधा सा है, पीसी कार्ड मॉडेम इज़ द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 13, क्योंकि सर कैड कार्ड साइज़ का जो हमारा यूज़ हो रहा है आजकल पोर्टेबल, देखा होगा बहुत सारी जगह आपको देखने को मिल जाएगा, बहुत सारे डाटा इसका ही डिस्क केबल यूज़ करते हैं इसका, वो आपका क्या है हमारा राइट आंसर इसके लिए सी, पीसी कार्ड मॉडेम। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। अ मॉडेम दैट इज कंटेन्ड विद इन द सिस्टम यूनिट इज कॉल्ड, मतलब मॉडेम दैट इज कंटेन विद द सिस्टम यूनिट्स इज कॉल्ड एक्सटर्नल, इंटरनल, वायरलेस, वाईफाई, या फिर ब्लूटूथ। तो भैया मॉडेम तो क्या होगा आपका, जो कंटेंट होता है विद इन द सीपीयू के इंटरनल होगा, तो राइट आंसर क्या होगा हमारा बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। अ मॉडेम दैट डजंट नीड टू बी कनेक्टेड अ टेलीफोन लाइन इन द विच मॉडेम, एक्सटर्नल या इंटरनल या वायरलेस या फिर DSL या NSL। भाई मॉडेम डजंट नॉट नीड टू कनेक्ट टेलीफोन लाइन, तो सर कैसा होगा वो मॉडेम होगा, वायरलेस होगा तो जरूरत नहीं पड़ेगी, वायर्ड होगा तो जरूरत पड़ेगी। तो यार वायरलेस में हमें कोई भी वायर नहीं चाहिए होता है, इसलिए राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर सी, वायरलेस। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 16। अ स्पेशल हाई स्पीड लाइन यूज्ड बाय लार्ज कॉरपोरेशन टू सपोर्ट डिजिटल कम्युनिकेशन इज नोन एज, सैटेलाइट, एयर कनेक्शन, सर्विस लाइंस, या केबल मॉडेम्स, या डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, या फिर T1, T2, T3 एंड T4 लाइंस, या फिर नन ऑफ द एवर। तो भाई राइट आंसर क्या होगा हमारा यहाँ पर बताना है आपको, ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा सर हमारा डी, T1, T2, T3 लाइन ये हमारी क्या है आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं 17 पर। अफोर्डेबल टेक्नोलॉजी दैट यूजेस एग्जिस्टिंग टेलीफोन लाइन टू प्रोवाइड हाई स्पीड कनेक्शन इज कॉल्ड, तो भाई आज के डेट में अगर देखा जाए हम लोग यूज़ कर रहे हैं इसमें हाई स्पीड यूज़ की जाती है, तो सर उसके लिए हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, DSL। डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ठीक है, यहाँ पे आपका यूज़ क्या हो रहा है, DSL का यूज़ हो रहा है, जिसके अंदर आप देखोगे दो पार्ट होते हैं आपके इसके अंदर, एक होता है ADSL, एक होता है SDSL। ADSL यानी कि असिमेट्रिक, DSL और सिमेट्रिक DSL। हम जो सर घर में यूज़ करते हैं कौन सा करते हैं, यूज़ करते हैं ADSL। देखना घर पे आप जाकर के तो जो मॉडेम आप यूज़ कर रहे हो उसके पे लिखा होगा ADSL। एग्जैक्टली हम लोग आज के डेट में मॉडेम यूज़ नहीं करते, कौन सा यूज़ करते हैं, DSL, उसमें भी कौन सा ADSL, बिकॉज इसके अंदर जो डाउनलोडिंग स्पीड होती है वो कैसी होती है सर आपकी, फास्ट होती है, और जो अपलोडिंग स्पीड होती है वो आपकी स्लो होती है, इसलिए क्या यूज़ करते हैं हम लोग ADSL यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है डाउनलोडिंग और अपलोडिंग दोनों ही स्पीड कैसी मिलेंगी आपको, सेम। डाउनलोडिंग है या अपलोडिंग हो दोनों कैसी मिलती हैं आपको, सेम मिलती हैं, ठीक है, तो ये डिफरेंस है हमारा यहाँ पर। तो यहाँ पर DSL इज़ द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 17। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। द कैपेसिटी ऑफ अ कम्युनिकेशन चैनल इज मेजर्ड इन,
बैंडविड्थ में या बिट कैपेसिटी या बॉड रेट या फिर डेटा फ्लो या स्टोर डेटा। तो भाई सीधा सा मतलब है, कोई कम्युनिकेशन जब आपका आता है, आपको स्पीड मिलती है, तो जैसे आप देखा होगा भाई स्पीड आपकी 2 Mbps है या फिर आपकी 10 Mbps है या फिर 100 Mbps है, तो ये जो है उसकी क्या है, दैट इज़ कॉल्ड बैंडविड्थ, मतलब हाउ मच डेटा इज ट्रांसफर्ड इन बिट पर सेकेंड। ठीक है, 1 सेकेंड के अंदर आपका कितना डेटा ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, वो उसकी क्या कहलाती है, बैंडविड्थ कहलाती है। 100 Mbps है, 1000 Mbps है, तो अगर आप आज नेट चलाते हैं और आपको 5 Mbps की स्पीड मिल रही है, तो जाने के मतलब क्या हो रहा है, आपका 1 सेकंड के अंदर आपको 5 Mbps का डेटा आपको मिल रहा है। बस समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? तो इस तरीके से ये हमारा इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। अ रिलेटिवली न्यू टेक्नोलॉजी दैट अलाउ वायरलेस कनेक्टिविटी। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा सर, ब्लूटूथ है, ब्लैक टूथ है, ब्लू बैंड है, ब्रॉडबैंड है और आपका वाईफाई है। तो न्यू टेक्नोलॉजी दैट अलाउ वायरलेस कनेक्टिविटी सर, तो यहाँ पे हमारा क्या करेगा, ब्लूटूथ हमारा सबसे राइट आंसर होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन ए लगा लीजिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 के लिए। इन एम एस डॉस 5.0 विच इज़ द नंबर दैट एक्ट एज अ कोड टू यूनिकली आइडेंटिफाई द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। तो सर इसमें से कौन सा हमारा कोड फाइंड करेगा, एम एस है, माइक्रोसॉफ्ट डॉस या फिर एम एस डॉस या 5.0 या फिर आपका 4.2.0। तो भाई सीधा सा लिखा हुआ डी में 5.0 है, हमारा डॉस भी 5.0 है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 20 का डी। डॉस सर आपका एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो CLI मोड पर काम करता है, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं CUI पर काम करता है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। ठीक है, अब इसका हम यूज़ नहीं करते हैं, पहले इसका यूज़ करते थे, अब जो हमारा यूज़ हो रहा है कौन सा यूज़ हो रहा है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस GUI, जैसे विंडोज़ हैं हमारे, विंडोज़ सारे के सारे कैसे हैं, GUI पे काम करते हैं, लेकिन MS DOS है जो माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम है, या फिर लाइनेक्स है, या फिर आपका यूनिक्स है, ये आपके ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जो किस पर काम करते हैं, CLI पर, कमांड बेस पर काम करते हैं। बहुत सारी कमांड्स हैं यहाँ पर चलती हैं, ठीक है, जब हम उसको आपको पढ़ाएंगे तो आपको बहुत सारी कमांड का यूज़ बता दूंगा कि कौन कौन सी कमांड चलती हैं जो इंपॉर्टेंट आपके एग्ज़ाम के लिए हैं। ठीक है भाई, तो इस तरीके से ये आपके यहाँ पर लगभग अराउंड 20 क्वेश्चंस थे, ठीक है, जो हमने यहाँ पर आपके साथ डिस्कस किए हैं। ठीक, तो भाई अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिएगा। तो बैंकिंग की क्लासेस के लिए अगर आपको लगता है कि सर हाँ हमें कंप्यूटर के अंदर हम अच्छे नहीं हैं, या हम थोड़ा सा हम चाहते हैं कि और अच्छे हो जाएं और हमारा एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आए कंप्यूटर का, तो सर आप Adda247 को जो है सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस भी कर दीजिए, तो जो हमारे लाइव क्लासेस के आपके चैनल होती हैं तो उसके भी आपको नोटिस मिलते रहेंगे। और साथ ही साथ आप जितने बच्चे ऐसे हैं जो बैंकिंग बनना चाहते हैं सर, उनके लिए मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा, GA पर बहुत ध्यान दें, क्योंकि सर सिलेक्शन आपका GA कंप्यूटर पर बेस्ड होता है। मैथ रीजनिंग इंग्लिश आपको पढ़ने ही हैं, बिकॉज प्री में आते हैं, ये मेंस में आते हैं, तो सिलेक्शन आपका इनसे होना है। तो दोनों ही चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, दोनों चीज़ों को पढ़ना है हमें। और जैसे आप चाहते हो, कोई भी डाउट है, कोई कन्फ्यूज़न है, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट लिख सकते हो, आपके कमेंट का आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। ठीक है सर, तो हम मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।